वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। अर्लियर क्लास में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, कुछ उसी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन इज दिस 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ओके, यहां पर नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और ये कहां तक? नेगेटिव इंफिनिटी। दिस इज आवर नंबर लाइन। द नंबर्स, ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या कहा जाएगा उसको? नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं। अब इसमें 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंफिनिटी तक और इधर -1, -2, -3, -4 नेगेटिव इंफिनिटी तक। इन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स, ऑल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। प्रीवियस क्लासेस में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा और आपने नंबर लाइन बनाई भी होगी। अब इसका हम इंट्रोडक्शन आगे भी देखेंगे। पहले हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, द नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की कैटेगराइजेशन कैसे होती है ये देख लेते हैं। रियल नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स। रियल नंबर्स को हम कैटेगराइज्ड करते हैं टू फॉर्म्स में, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। ओके, विदाउट डेसिमल में फिर से हम एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, वन, टू, थ्री, फोर और ये कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ओके, यहां देखेंगे -1, -2, -3, -4 और ये कहां तक? नेगेटिव इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब अनंत, अनंत तक जा रहे हैं, राइट? ये सारे क्या हुए? इंटीजर्स। नंबर लाइन पर जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी 0 से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और 0 क्या है हमारा? 0 इंटीजर। तो एक बार मैं लिख देता हूं, ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और इसी को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स।
ओके। अब नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है एन से, नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है एन से, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम जेड से। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड प्लस से, और यहां पर हमारे कौन से हैं, अभी मैंने बताया आपको, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको कैसे सिंबल से डिनोट करेंगे, z माइनस, राइट। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स, उनको क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स कहा जाता है। एनी नंबर ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड ए रियल नंबर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब रियल नंबर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल को हमने नंबर लाइन पर शो किया, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। नंबर लाइन पर भी 0, 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 माइनस इंफिनिटी तक, और राइट साइड में पॉजिटिव इंफिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 2 पॉजिटिव इंफिनिटी, इनको कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। Z प्लस से हम इसको डिनोट करते हैं, इन्हीं को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, राइट। अब नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा होल नंबर। तो अगर हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा होल नंबर, होल नंबर्स। इसको हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, ओके। अब एक यहां पर हमारी टर्म है जीरो, जीरो को कहा जाता है जीरो इंटीजर, जीरो को क्या कहा जाता है, जीरो इंटीजर, राइट। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या एवरी पॉजिटिव नंबर या एवरी रियल नंबर इज ए होल नंबर, राइट, या एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, लाइक इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये एक क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, आप देख पा रहे हो नेचुरल नंबर हमारे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नो, जीरो हमारा क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर वो नहीं है, राइट। मुझे लगता है यहां तक की बात आपको क्लियर होगी होगी। अब चलते हैं विद डेसिमल की तरफ, विद डेसिमल में भी हमारे तीन पार्ट्स आते हैं, राइट, विद डेसिमल में भी हमारे तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा विद डेसिमल, विद डेसिमल, ओके, विद डेसिमल, सॉरी विद डेसिमल नहीं, विद डेसिमल को तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं, विद डेसिमल को तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं। तो विद डेसिमल में हमारे आते हैं टर्मिनेटिंग, सबसे पहले कैसे डेसिमल, टर्मिनेटिंग, दूसरे डेसिमल्स कैसे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड टाइप हमारा क्या है डेसिमल में, विद डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, लाइक ऐसे लिखा है 1.8, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डिजिट टर्मिनेट हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अब इसको एक और वर्ड रिकरिंग भी बोलते हैं, जो दोबारा से अकर होता है, लाइक हम लिखें 1.18, 1.8, 1.8, 1.8 और ये आगे तक चलता जा रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, राइट। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें हम लिख सकते हैं 1, 1, 8, 2, 4, 6, 1, 3, ये भी आगे तक रिपीट, नॉन रिपीटिंग है ये और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, राइट। अब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दो टाइप के हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, राइट। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ओके। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a number is said to be a rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q ये क्या है integers, ये क्या है integers, and q is not equal to zero। इसका मीनिंग ये हुआ q zero के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूं p ओवर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ओके। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो अभी आपको समझ में आया कि रियल नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं टू टाइप में, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इनको क्या कहा जाता है रैशनल नंबर्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है रैशनल नंबर, और यहाँ पर क्या आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं लाइक पाई, रूट टू, रूट थ्री, स्क्वायर रूट सेवन। दोज numbers which are not perfect squares, which are not perfect squares, उनको भी हम क्या कहते हैं irrational numbers कहते हैं, right? तो अभी आपको समझ में आ गया with decimal में, without decimal और with decimal। number line में zero, zero is a zero integer, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीट क्या हो जाता है होल नंबर हो जाता है। नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को जेड से, राइट। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं आप बताइए, W से डिनोट करते हैं, राइट। तो अभी आपने यहां पर क्या समझा कि रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं प्लस इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ओके, प्लस रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स, और क्या इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट। यहां तक क्लियर होगी बात, मुझे लगता है अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो अब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, मैथमेटिक्स नीड मोर प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे मैथमेटिक्स में, राइट? तो रियल नंबर्स, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। तो रियल नंबर्स को हमने डिफाइन किया रैशनल नंबर्स में, इरेशनल नंबर्स में एंड इंटीजर्स में, राइट? एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटीजर्स, एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर्स को क्या हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, लाइक 2 by 1, 3 by 1, 5 by 1, सबके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा दें तो वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, राइट? तो अभी यहां तो जगह बची नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब हमारे रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ओनली 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। राइट? तो रियल नंबर्स कैसे डिवाइड हुए? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अभी हम 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नो, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स क्यों है? अभी आप देखिए कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे। देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, इनफिनिटी तक, ओके? और होल नंबर क्या है हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनफिनिटी तक। तो यहां तो 0 आ रहा है होल नंबर में, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, राइट? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इसका आंसर है ट्रू, यस। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अभी इंटीजर्स आपने देखे, नंबर लाइन पे फिर से देख लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पर -1, -2, -3, -4, कहां तक? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। दीज आर इंटीजर्स, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 2 ले लेते हैं, 2 by 1, अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा दे तो रैशनल नंबर में p by q फॉर्म आ गई, तो नेचुरल रैशनल नंबर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। 3 by 1, 4 by 1, सभी इंटीजर्स को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर था हमारा फॉल्स, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ट्रू और यस, यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर।
every rational number is a integer. इसको देखते हैं. अभी आप देखेंगे 3/5. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है. These are एनसीईआरटी examples. 3/5 ये इंटीजर नहीं, नॉट इंटीजर, राइट. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से हमने ये समझा कि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. इससे पहले स्लाइड में हम फिर से देखेंगे एक बार. रियल नंबर्स विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर में या पॉजिटिव नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है होल नंबर में. और विद डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको ही हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, राइट. रियल नंबर्स को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स में डिवाइड किया जा सकता है. अब इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर्स को हम कैसे बता सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, राइट. कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू. एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. तो अभी यहां पर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे. और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे एग्जांपल्स हम देखेंगे, समझेंगे कुछ एग्जांपल्स से और सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर.